अब तक अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया था, सेनापति के रूप में अश्वत्थामा नहीं आए थे, भीष्म पितामह कर्ण शल्य सब बने, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं बनाया। अश्वत्थामा भी खोज में था, कोई ऐसा कारण आए, कुछ ऐसा समय आए जिससे मैं अपने जो मैं हूँ अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकूं। उस समय वह दुर्योधन के पास गया, बोला दुर्योधन तुमने सबको सेनापति बनाया किंतु मुझे नहीं बनाया, अगर तुम मुझे बनाते तो मैं तुम्हारे जो पांचों पांडव भाई है ना उनको तो मैं एक क्षण में मार डालता। अच्छा जो काम महारथी भीष्म पितामह नहीं कर पाए कर्ण नहीं कर पाए वो तुम एक क्षण में कर दोगे, जो हमारे गुरु तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य नहीं कर पाए वह तुम एक क्षण में कर दोगे। हाँ दुर्योधन अच्छा चलो जाओ मैं अभी तुम्हारा तिलक कर देता हूँ, तुम आज से मेरे सेनापति। रात्रि का समय हो गया, ये दुर्योधन के पास से जा ही रहा था, सोच रहा था कि अब बोल तो दिया है मैंने कि मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे पांडवों को मार डालूं। ये देख रहा था रात्रि का समय, एक बिल्ली खरगोश के बिल में घुस गई, खरगोश सो रहे थे उनको खा गई, उसी से उनके अश्वत्थामा के दिमाग में ये आया कि मैं भी ऐसी रात में जाता हूँ पांडवों को मार डालूंगा, पांडव सो रहे होंगे। तो ये यहाँ अश्वत्थामा पांडवों को मारने की सोच रहा है और उनको बचाने वाले श्रीकृष्ण पहले ही ये सब सोच चुके हैं। उनके साथ तीर्थ एक कुरुक्षेत्र के पास तीर्थ है, वहाँ चले गए पांडवों को लेकर द्रौपदी को लेकर कि आओ आज का युद्ध समाप्त हो गया, कल हम विजयी हो जाएंगे, क्यों ना हम पूजा करके आए। श्री कृष्ण पांडवों समेत द्रौपदी समेत चले गए। अब ये अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जा पहुंचा, अब ये पांडवों के शिविर में गया, इसने देखा एक शिविर में आवास हुआ, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, जो युधिष्ठिर के पुत्र हैं अर्जुन के पुत्र हैं ये एकदम उनके जैसे ही दिखते हैं, भीमसेन के पुत्र उनके जैसे ही गदाधारी बच्चेधारी दिखते हैं। आवास ऐसा हुआ कि शायद पांडव ही सो रहे हैं, ये पांडवों के पुत्र नहीं, रात्रि में सोते समय उनके गले काट दिए। और फिर इसने देखा कि दृष्टद्युम्न ने जिसने मेरे पिता को मारा उसको ही मार डाला, और ये एक कोठी में पांचों के सर रख के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई अश्वत्थामा आए, हम 100 भाई थे 99 की 99 मर गए, मैं अकेला जीवित हूँ, वे 5 की 5 अभी तक जीवित हैं। ये अश्वत्थामा जरूर उन्हें मार के ही आया होगा, जब इतने विश्वास से कह के गए हैं। अश्वत्थामा को कोठी लाते हुए देखा, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो इसने सही में ही पांडवों को मार दिया, किंतु जब वो कोठी दुर्योधन के हाथ में दी दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अश्वत्थामा इतना वजन अकेले भीमसेन के मस्तक में था, इतना वजन तो इन सबको मिलाकर भी नहीं है, ये तो पांडव है ही नहीं, तुम जरूर किसी और का वध कर दिया है। जो देखा निकाल के ये तो दुर्योधन के पौत्र। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, तुमने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, कोई हमारा श्राद्ध कर ले वो भी नहीं छोड़ा। अब दुर्योधन को वरदान था कि जिस क्षण उसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता और उसी क्षण बहुत एकदम घोर दुख हो जाए उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसे उसी क्षण बहुत सारी प्रसन्नता हुई कि अश्वत्थामा ने पांडवों को मार डाला, और उसी क्षण एकदम से दुख हुआ कि उन्हें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर जब
पांडव शिविर में पांडव पहुंचे, द्रौपदी आई, देखा कि उनके पुत्रों को मार डाला है। अर्जुन भीमसेन कृष्ण प्रतिज्ञा करने की, हे द्रौपदी जब तक मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला नहीं लाऊंगा मैं तुम्हारे सामने ही नहीं जाऊंगा। पता चला कि अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध करा, पकड़ लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा बोला छोड़ दो छोड़ दो ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण है, इनके साथ ऐसा अनादर मत करो। अरे इन्होंने तो अभी तुम्हारे पुत्रों को मारा है। अरे नहीं नहीं छोड़ दो, इनका कर्म इनके साथ, किंतु है तो ये गुरु पुत्र ना। अच्छा चलो इनके बारे में मत सोचो, इनकी माँ है कृपी, एक स्त्री का आधार उसके पति होते हैं और पति चले जाए तो पति के बाद पुत्र होता है, जब उनका पुत्र भी नहीं होगा तो तुम्हारी गुरु माँ कैसे रहेगी, इतना तो सोचो कम से कम। मारो दस्य जननी गौतमी पति देवता, श्री कृष्ण ये दृश्य देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने किसी दुराचारी का वस्त्र नहीं बढ़ाया, मैंने व्यभिचारिणी का वस्त्र बढ़ाया, ये द्रौपदी भगवान की भक्ति है, कैसे धर्मं न्यायं च करुणं निर्विनीतं सहं महत् राजा धर्मसतो राज्ञा सत्यं द्वजचोदजा। द्रौपदी के अंदर धर्म है कि ये गुरु पुत्र है, इनको मारना नहीं चाहिए, न्याय कर रही है कि उनकी माता केली हो जाएंगी, उनकी देखभाल के लिए कौन रहेगा। सत्रुणाम निर्वेलीकम समहत, निष्कपट होकर द्रौपदी ने यह कह दिया कि इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र ही गुरु के समान होते हैं, जीते जी तो आप उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए, क्या उनके मरने के बाद ऐसे करके आप उनको गुरु दक्षिणा दोगे। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहा इनको ब्राह्मण है छोड़ तो दो, किंतु ब्रह्म बंधु ने हंतव्य आतताई बदारणा, आतताई माने आतंकवादी, जो ऐसा कार्य करे उसको मार देना ही उसका न्याय है, उसका आतताई को मार देना ही उसकी पूजा है, तभी उसका कल्याण होगा। और जैसे आज हम सब देखते हैं कि ये उम्रे हो गया, ये सब हो गया, ये सब आतताई तो है, इनका क्रम है कि इनको मार दो तभी संसार में जगत में धर्म की स्थापना होगी। और ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का तो जैसे ब्राह्मण का अपराध कर दो उसको सुना दो, उसकी लक्ष्मी को छीन लो, उसी से ही उनका वो दुर्व्यवहार हो जाता है, उनके संग ब्राह्मण को तो सुना देना ही उनका गति को नीचे गिरा देता है। सी अर्जुन समझ गए कि कृष्ण क्या कहने जा रहे हैं, उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि छीन ली और उसको काल तो जाओ। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया, इसने क्रोध में धम्म आस्त्र को बुला लिया और छोड़ दिया, जाओ तुम जाके जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र उत्तराजी के गर्भ में है उसकी हत्या कर दो, ये लोग भी मर जाएंगे तो इनके बाद तो कोई रहेगा ही नहीं, पूरे कुरुवंश पांडवों का पांडुवंश पूरा खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए परीक्षित के जन्म परीक्षित को गर्भ में बचाने के लिए, उत्तरा के सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, धर्म आस्त्र यूं ही